मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की, चौहान जी की सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी भ्रष्टाचारी सरकार मानते हुए स्वयं तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स ने पिछले वर्षों में तमाम भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं उनको सिद्ध करने के लिए तमाम सबूत मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, उसी कड़ी में आज एक और चीज सामने आई। मैं मीडिया के साथियों का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि आदिवासी भाई बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार इन्होंने 18 वर्षों में किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उनकी चाहे वो जूते की बात हो, चाहे साड़ी की बात हो, पानी की बोतल की बात हो, आज एक नया प्रकरण सामने आया है कि जो छाता खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया थी और जिस रेट पर आदिवासी भाइयों के लिए छाता खरीदा गया, मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत, उसमें वन मंत्री विजय शाह जी और जो संघ है राज्य लघु वनोपज संघ, उसके MD महोदय, इन दोनों की जो फाइल की रिमार्क्स हैं, टिप्पणियां हैं, जो टीप हैं, उनसे क्लियर पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर लगभग 50 से 60 करोड़ का एक गबन हुआ है, एक घोटाला हुआ है। जिस तरह से रेट आए छाता खरीदने के लिए, सबसे पहले 246 रुपए का रेट मानने के लिए सरकार आगे बढ़ी, लेकिन जब चारों तरफ से विरोध आया कि यही छाता बाजार में 140 रुपए में वही कंपनी बेच रही है, तो उसके बाद उस रेट को घटाकर 240 किया, फिर 209 किया, और फिर मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि 200 रुपए में इसको खरीद लीजिए। अगर ये पूरा प्रकरण हम देखें, जूतों से जो शुरू हुआ, पानी की बोतल, साड़ी से होता हुआ, इसमें लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का गबन सामने नजर आता है। कांग्रेस पार्टी वन मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगती है और वन मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग करती है। अब शिवराज जी से तो इस्तीफा मांगने का समय ही चला गया, वो तो स्वयं अपनी जो भ्रष्टाचार की उनकी जो घोटालों की लिस्ट है उसको लेकर आज ऐसा प्रतीत होता है कि वो गंगा के किनारे बैठ के उस लिस्ट को पढ़ रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे ऐसा नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगभग 50 लाख के करीब परिवार इस योजना के तहत प्रभावित हुए, जिस तरह से तेंदू पत्ता कलेक्शन करने वाले तमाम हमारे आदिवासी भाई इससे जुड़े रहे, गजब बात है कि सरकार न भगवान के जो स्थान है उनको छोड़ती है, चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे वेंकटेश भगवान का मामला हो, व्यापम का ऑफिस तो यहीं आपके पड़ोस में ही है, जिसमें करोड़ों युवाओं के साथ किस तरह से ठगी की गई, किस तरह से करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, और आज हालात ये हैं कि मुद्दों को भटकाते हुए और जिस तरह से आज भी मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले एक वर्ष में कई दर्जन घटनाएं इस तरह की हुई हैं जिसमें आदिवासी भाई बहनों के साथ, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, मूत्र विसर्जन से लेकर, और तमाम ऐसी घटनाएं हैं, कभी जूते की माला पहनाने की बात, और एक तरफ फिर आप पैर धोकर नौटंकी करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं कि आप आदिवासी भाइयों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक मांग है कि वन मंत्री महोदय इस पूरे प्रकरण पर अपना स्पष्टीकरण दें, उसके अंदर जिस तरह की जांच होनी चाहिए वो जांच हो, और तुरंत जो भी तमाम कागजात हैं इससे संबंधित जुड़े हुए, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स, टेंडर के बाद के, ये मीडिया के साथी के साथियों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखे जाएं, ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके,
लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का इसमें गबन प्रतीत होता है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।